नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। फारुखाबाद पांचाल प्रेस क्लब में मुख्यमंत्री संबोधन किया गया। आज कयामगंज उपजिलाधिकारी नरेंद्र सिंह व भारतीय जनता पार्टी की विधायक अमर सिंह खटीक को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पांचाल के जिलाध्यक्ष अनिल वर्मा शेखर ने बताया कि कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए कार्यक्रम शुरू हो गया है। 3 चरणों में वैक्सीन के लिए श्रेणीवार कार्यक्रम भी घोषित हो गया है, पर अभी पत्रकारों को प्राथमिकता से वैक्सीनेशन कराए जाने की कोई जानकारी नहीं दी गई है, जिससे पत्रकार साथी निराश और चिंतित दिख रहे हैं। जबकि पत्रकार ने कोरोना काल में जैसी परिस्थितियों में अपनी जान हथेली पर रखकर अपने दायित्वों का निर्वहन किया, और कई पत्रकार साथी कोरोना काल में कवरेज के दौरान दिवंगत भी हुए हैं। कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और तीसरे चरण तक के जो लोगों को टीका लगना उसका कार्यक्रम भी घोषित हो गया है, लेकिन पत्रकार संवर्ग का कहीं अभी तक उल्लेख नहीं है। इसीलिए पांचाल प्रेस क्लब ने एक पहल की है कि हमारी गिनती की जाए और हमें बताया जाए कि जो प्रेस पत्रकार संवर्ग है उसका टीकाकरण कब होगा। इसको लेकर के ही हम जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दे रहे हैं, अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे हैं और मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, ताकि जो पत्रकार संवर्ग है उसकी गिनती भी हो और हमें बताया जाए हमारे जो पत्रकार संवर्ग है उसका टीकाकरण कब होगा, इसका कार्यक्रम घोषित किया जाए। ये हम इसी सिलसिले में आज कायमगंज विधायक अमर सिंह खटीक को ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए। कोरोना वैक्सीन को लेकर के तो क्या कहेंगे आप, क्या प्रयास रहेगा आपका? मैं जो विज्ञापन दिया है उसको मुख्यमंत्री पास पर्सनली भेजूंगा और मुख्यमंत्री से कहूंगा कि मैंने उससे महसूस किया था कि कोरोना काल में हमारे जितने मीडिया कर्मी थे, पत्रकार बंधु हों या अन्य से जुड़े हों, इन्होंने बहुत काम किया और फ्रंट लाइन पे काम किया था। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी सरकार ने जो फ्रंट लाइन पे जो वर्कर्स थे उनके टीकाकरण का जो कार्यक्रम बनाया है, तो इसमें हमारे पत्रकार बंधुओं को भी शामिल किया जाए। वैक्सीन लगवाने को लेकर पत्रकार, आज हमने पांचाल प्रेस क्लब की तरफ से विधायक कायमगंज को एक ज्ञापन दिया है अपने पत्रकार भाइयों के साथ में, कि कोरोना का काल, कोरोना काल चला है, जो बीमारी चली थी उसके वैक्सीनेशन चालू हो गया है और पत्रकारों का अभी तक कहीं सरकार की तरफ से कोई नाम नहीं है। तो हम लोग ये सब पत्रकार भाई मिलकर के ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारा भी नाम कहीं ना कहीं, पत्रकारों का नाम जोड़ा जाए, जिससे कि फ्रंट लाइन वर्कर भी हैं सब कुछ, हमने भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ के काम किया कोरोना काल में, तो हमारा भी उसमें नाम जोड़ा जाए सरकार की तरफ से और हमारे लोगों को भी वैक्सीन लगवाई जाए। सर, आज आपको ज्ञापन दिया गया है पत्रकारों द्वारा वैक्सीन को लेकर के, जो सभी को लगाया जा रहा है, अभी तक पत्रकारों के लिए कुछ भी नहीं किया गया, तो फिर क्या आगे आप करेंगे? पांचाल प्रेस क्लब की ओर से ज्ञापन हमें हैंड ओवर किया गया है और इसमें इन्होंने पत्रकार बंधु जिन्होंने इस कोरोना के पीरियड में पूरी अपना सहयोग दिया और इसके लिए इन्होंने लिखा भी है कि इनके लिए वैक्सीनेशन की कवरेज कराई है। इसमें कई सारे कवरेज के दौरान साथी भी दिवंगत हुए हैं, उनका भी इन्होंने हवाला दिया है, तो इसके संबंध में ज्ञापन मुझे हैंड ओवर किया गया। ऐसे में तत्काल प्रभाव से आगे कार्रवाई के लिए प्रेषित कर रहा हूँ।